क्लास अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके उर्दू के टीचर मिस तहसीन और यह है आपकी उर्दू की बुक उर्दू का गुलदस्ता। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है, हम सबक का नाम क्या था हमारा? चचा छक्कन ने रद्दी निकाली। इसकी हमने बुलंदखानी की थी। मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ की बुलंदखानी करवाई थी और बाकी कहा था कि आप लोग खुद पढ़िएगा। अब आपको उसमें अंदाज़ा हो गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, तो उसमें आपको पता लगा होगा कि इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन से हैं, यानी मुश्किल अल्फाज कौन से हैं। मैं कुछ मुश्किल अल्फाज यानी अल्फाज मायने लिखवा रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मुश्किल अल्फाज और उसके मायने क्या हैं। इस सबक में एक वर्ड है हमारे पास ओढ़नी। ओढ़नी किसे कहते हैं? ओढ़ने की चादर। दूसरा वर्ड है तनदेही, जी लगा कर काम करना। तनदेही की मीनिंग क्या है? जी लगा कर काम करना। पल पड़ना, हमला करना। पल पड़ना की मीनिंग क्या है? हमला करना। लचका पढ़ा था हमने, लचका की मीनिंग क्या है? जरी का चौड़ा गोटा। अदम तावुन, मदद करना। यकलख्त, फौरन। नफासत तबा, मिजाज का नफीस होना। तीर बाहदफ, निशाने पर लगने वाला तीर। बात का अफसाना बनाना, छोटी सी बात को बढ़ाना। बात का अफसाना बनाना क्या होता है? यानी छोटी सी बात होती है हम उसको बढ़ा देते हैं, उसे कहते हैं अफसाना बनाना। और तीर बाहदफ किसे कहते हैं? निशाने पर लगने वाला तीर। नफासत तबाह, मिजाज का नफीस होना। यकलख्त, फौरन। अदम तावुन, मदद करना। लचका, जरी का चौड़ा गोटा। पल पड़ना, हमला करना। तनदेही, जी लगाकर काम करना। ओढ़नी, ओढ़ने की चादर। ये हैं हमारे पास अल्फाज मायने। ये आप कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबक का नाम चचा छक्कन ने रद्दी निकाली, इसका टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद अल्फाज मायने लिखेंगे और इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके सवाल जवाब के साथ हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।